हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज हम बात करेंगे सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं पर हैं हमारी, वन ईयर बोल सकते हैं या 15 से 16 महीने के बीच की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, जो उनको देखेंगे। तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे पहले भाई देखो, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों आगे आने वाली सारी जो है बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस और जो है सारे जो एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो पहला है, अच्छा कौन कौन सी होंगी इसमें देखते हैं। पहले जो इंडेक्स में जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, पहला है हमारे जो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जल शक्ति मिशन, पीएम दक्ष योजना, राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना नेशनल मोनिटाइजेशन स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 उजाला अलग है, ग्राम उजाला योजना इज 4.0, पीएम डिवाइन योजना, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना चंद्रयान मिशन 3, ये 3 है, चंद्रयान 3 मिशन है, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन, शिक्षा अभियान, समर्थ अभियान, स्त्री मनोरक्षा परियोजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डॉगथन 2022, झरोका, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, स्माइल योजना, हेल्थ स्कीम हेल्थ स्माइल, और जेड जीरो योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, ऑपरेशन आहट, पर्वत माला योजना, मिश्र इंद्रधनुष 4.0, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022, श्रेष्ठ योजना, सकारात्मक स्वदेशी जो सूची, बड़े भारत अभियान, फ्लाई एस मैनेजमेंट एंड द यूटिलाइजेशन मिशन, एस ट्रैक, वर्नाक्यूलर जो इनोवेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्लोबल गेटवे योजना, पैट योजना, विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, द्वारे राशन योजना, ओ स्मार्ट योजना, पोषण स्मार्ट गाँव योजना, भारतीय अंतरिक्ष संघ और जो स्केट पोर्टल और आयुष्मान डिजिटल भारत डिजिटल मिशन, माई पोर्ट, टैक्स इन्फेक्शंस विदाउट द बॉर्डर्स प्रोग्राम, आई ड्रोन योजना, हाई एम्बिशंस जो कैलिब्रेशंस ऑफ नेचर पीपल्स, केंद्र सरकार की जो 60 सूत्रीय योजना, जो सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड, मैप डिजिटल अभियान 3.0, पीएम स्वनिधि योजना, तपस, आयुष आपके द्वार, संसदीय आउटरीच कार्यक्रम, स्कूल बबल और सात पहल, प्रसाद योजना, धरोहर गोद लो परियोजना, ई सेकंड कार्यक्रम 2.0 और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, समृद्ध, ई श्रम, युक्त धारा, प्रगति, फोरम फॉर द डिकार्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, माई पैड माई राइट जो, और सुजलम अभियान और S220 पहल। तो योजना पहले देखो भाई, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो योजना प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग योजना क्या डेफिनेशन होगी। जब भी किसी निश्चित समय में लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्लानिंग को, उसको प्लानिंग कहते हैं। हमें निश्चित समय में एक न्यूनतम संसाधनों के साथ, मतलब बहुत कम समय में और बहुत कम संसाधनों के साथ जो लक्ष्य को, अपने जो एम्स को अचीव करना, अर्जित करना, उसको जो हम बोलते हैं योजना, प्लानिंग बोलते हैं। यह प्लानिंग होता है, यह अर्जित करने का जो दस्तावेज हो सकता है, जो अर्जित करने का ये दस्तावेज भी हो सकता है। अच्छा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, पहले जो राजा अपनी जैसे सीमा बढ़ाते थे, परंतु वर्तमान में हम सीमा नहीं बढ़ाते, बल्कि जो बात करते हैं कि देश की सीमा के भीतर जो सुरक्षित रहे लोग, जो हमारी जो है प्रजा है एक तरह से, वो सुरक्षित रहे, वो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जो नियम कानून है वहाँ पे बने रहे, ये नहीं कि आपस में लड़ रहे, मर रहे, झगड़ रहे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज ना सरकार की प्राथमिकता ये है कि देश में रहने वाले नागरिक का जीवन जो बेहतर और जो उसका विकास हो सके। जो सरकार की, जो हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता ये होती है कि सबसे पहले जितने भी हमारे जो देश के अंदर जो सीमा के भीतर हैं, तो उनका जो अच्छे से स्वास्थ्य हो, अच्छे से सारी चीज़ें फैसिलिटी मिले, और जो उनका जो जीवन जो बेहतर हो और विकास उनका हो। लोक कल्याण का मतलब यहाँ है कि लोगों को जो समाज कल्याण होता है, उनके जीवन में
जीने की जो बात आती है वो जो लोक कल्याण की बात होती है। सरकार का मकसद जो लोगों के जीवन को बेहतर करने के का ही लोक कल्याण है। लोग जो सरकार का जो मकसद होता है उसको बेहतर करना ही जो लोक कल्याण है। अब जब सरकार ये काम करना होता है ना तो योजनाएं बनाती है कि कैसे जो एजुकेशन से बेहतर किया जा सकता है इस तरह की। अच्छा, योजना के प्रकार हैं, तीन प्रकार की योजना होती हैं। एक राज्य सरकार जो CM द्वारा योजनाएं लागू की जाती हैं, दूसरी हमारी जो केंद्र सरकार, तीसरी हमारी जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो पूरा पैसा जो केंद्र का रहता है। तो योजनाओं के प्रकार देख लीजिए, तीन प्रकार है, राज्य केंद्र प्रायोजित मतलब स्पॉन्सर्स, थर्ड है हमारे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं राज्य में जो CM द्वारा या इस तरह जो लागू की जाती है उस CM द्वारा, और केंद्र में केंद्र प्रायोजित में तो इसमें हमारा जो केंद्र का भी पार्ट होगा और जो उसका भी पार्ट होगा राज्य का भी पार्ट होगा, दोनों मिलकर जो स्पॉन्सर्स करती हैं मदद करती हैं। और केंद्र क्षेत्र का मतलब है पूरा पैसा जो केंद्र लगाएगी इसमें। अब देखते हैं अभी योजना को रणनीति अथवा जो नियोजन भी कहा जाता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी रूपरेखा को निर्मित करने का जो योजना प्लानिंग कहते हैं। सरकारी योजनाएं क्यों बनती हैं? सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा के लिए सरकारी योजनाएं बनाती है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाना। योजनाओं के प्रकार, केंद्र की योजनाएं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और राज्य सरकारों की योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। अच्छा, केंद्र योजना क्या होती है? इसमें जो सेंटर का जो सारी चीज़ें, सारा पैसा सेंटर का होगा। वो केंद्र प्रायोजित मतलब इसमें जो सेंटर भी होगा, सेंटर का भी होगा और स्टेट का भी होगा, और राज्य का मतलब राज्य के CM का मतलब राज्य ही पैसा लगाएगा। तो तीनों में डिफरेंस समझ गए भाई। केंद्रक क्षेत्रक योजनाएं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसे देखते हैं। इसका 100% वित्त पोषण जो केंद्र सरकार द्वारा हो किया जाता है, साथ ही इसका जो क्रियान्वयन में जो केंद्रीय तंत्र द्वारा किया जाता है। केंद्रीय योजनाएं के मुख्य रूप से सूची में उल्लेखित विषयों के द्वारा बनाई जाती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, तो ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें जो योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र एवं जो राज्य द्वारा जो मिलकर किया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं इसमें। और इस प्रकार की योजनाओं केंद्र और राज्यों के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन जो में ही वित्त सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार की योजनाएं राज्य द्वारा दी जाने वाली राशि का जो प्रतिशत, जो 100% राज्यों द्वारा प्रतीत हो जो परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लिया कभी कभी 50/50 रेशियो, फिर कभी 60, कभी सेंटर का जो 40 जो 60 दिया तो इसमें जो 40 दे दिया, कभी 70 दिया तो 30 दे दिया, 75 दिया 25, तो इस तरह से होगा रेशियो होता। वहीं कुछ विशेष राज्यों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों के लिए ये 90/10 का मतलब 90% जो सेंटर लगाएगी, 10% जो स्टेट गवर्नमेंट कर देगी। तो 90% का इससे जो 10% राज्य का रहता है। जो CSS के ये योजना तैयार की जाने वाली, यह प्रकार मुख्य राज्य के राज्य सूची के तहत जो आने वाले इश्यू से संबंधित होती है। व्हाट इज नेक्स्ट? तो इसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये कब? ये 10 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई। केंद्र सरकार के जो 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाली एक डिजिटल मंच है। 100 करोड़ 16 करोड़ रुपए का जो वित्त स्वीकृत हुई इसमें। रेलवे, सड़क परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, उड़ियन जो नागरिक उड़ियन जैसे मंत्रालय इसमें हैं, और इन मंत्रालयों के तहत जो संचालित हो रही जो परियोजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के दायरे में सम्मिलित किया दिया जाएगा, ताकि जो इन योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। लक्ष्य योजना के तहत जो सम्मिलित होने वाले 2024-2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है 1,00,000 किलोमीटर के राजमार्गों की संख्या को दुगुना करना है। वर्ष 2024-2025 तक जो 35,00,000 किलोमीटर की जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है, और देश की प्रमुख नदियों की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाना है। रेलवे की कार्य क्षमता को जो 1,200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर जो 1,600 मीट्रिक टन करना है। PM डिवाइन योजना, पूरा नाम है पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल है, ये PM 9। तो डेवलपमेंट इनोवेटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन का फरवरी 2022 में किसने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर की सभी जो विकास योजनाओं के लिए समग्र जो एकीकृत योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ही रूप ये प्रारूप है। राष्ट्रीय
भूमि मुद्रीकरण जो निगम नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन कब फरवरी 2022 में किसने भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय भाषण में घोषणा भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित करना प्रारंभिक शेयर जो 5,000 करोड़ रुपए उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं के भूमि और जो गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाना है। जल शक्ति मिशन, तो जल शक्ति मित्र हर घर जल जल जीवन मिशन है, हर घर जल हर घर नल, वर्ल्ड वाटर डे जो 22/3/2021 का ये वो है लक्ष्य है। तो पाइप वाटर सप्लाई टू द रूरल जो हाउस होल्ड 22/2024 तक ये सप्लाई करना पानी के द्वारा, इरीगेटेड ऑफ द डिमांड्स ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ साइड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लोकल लेवल जल जीवन मिशन कवरेज कवरेज विद द सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रल ऑफ द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ रियूज वाटर वेस्ट एग्रीकल्चर जो यूज जो बेकार होता है उसको जो वाटर के उस वाटर को जो हम एग्रीकल्चर में यूज किया इसी बोल रहे हैं। कब जो चालू वित्त वर्ष 2021-2022 के जो केंद्रीय बजट के जो घोषणा किसने जो केंद्रीय आवास और जो शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 के जो अनुरूप शहरों को नल एवं माध्यम से जो घरों में शुद्ध पेयजल की जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना 2024 तक। जल जीवन मिशन 3 कारणों के कारण विशेष है, नल के माध्यम से प्रत्येक जो घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रति व्यक्ति की जो दैनिक उपयोग में क्षमता के अनुसार जो जल की आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो 55 लीटर की आपूर्ति जल समितियों के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन में स्वयं सहायता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कम से कम 50% महिलाओं की उपस्थिति को मिलकर जो 10 से 15 सदस्यों की समिति जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ये छठा है हमारा जो छठा गई है कहता है कि भाई जो हमारे 6 क्लीन वाटर एंड द सस्टेनेशन तो ये हमारा जो है सबको स्वच्छ जल की बात करता है। वित्त पोषण कुल लागत है जो इसमें 2,87,000 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रदेश में जो 100% की जो केंद्रीय वित्त पोषण और जो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के लिए 100% केंद्रीय जो वित्त पोषण है इसमें 1,00,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 50% के वित्त पोषण 1,00,000 से और 10,00,000 तक की आबादी वालों के लिए 33% केंद्रीय जो वित्त पोषण और 10,00,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 25% केंद्रीय वित्त पोषण है। विशेष क्या है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण के लिए 3 चरणों में किया गया है जो 20-40-40 और क्रियान्वयन में के परिणाम के आधार पर जो तीसरी किस्त जारी जो सार्वजनिक निजी और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रयास 10,00,000 से जो जनसंख्या वालों के शहरों में परियोजना को कुल लागत जो 10% पीपी मॉडल पर पूरा करना और जो राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। नगरीय निकाय के लिए बॉन्ड जारी करने हेतु धन जुटाने की स्वतंत्रता है, स्पन सिटी के निर्माण का विशेष बल दिया गया, स्पन मतलब आगे जो अग्रणी है, स्पन सिटी के तत्पर्य के ऐसे राज्य शहर से है जो अपने जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूरी तरह सक्षम हो जो आगे आए स्पन सिटी देखिए रेन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ड्राउट ये इस तरह से जो मॉडल है हमारा ये। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली और परियोजना फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा वो जो ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, इसमें परियोजना में लगभग जो 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा और जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। ऊपरी भद्रा परियोजना चित्रदुर्ग जो चिकमंगलुरु दावणगेरे और जो तुमकुरु सुवर्णग्रस्त जिलों के लिए खरीफ की मौसम में जो स्थायी सिंचाई को सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य से होकर जो आंध्र प्रदेश में बहती है, नदी का प्राचीन नाम जो पंपा इंपॉर्टेंट है पंपा, इसका लंबाई इसकी जो 710 किलोमीटर है। दो नदियों जैसे तुंगा नदी और जो भद्रा नदी के संगम से बनती है, तुंगा भद्रा नदी दोनों के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों को निकलती है। नदी का मुख्य रूप से जो वर्षा द्वारों में पोषित प्रमुख नदियाँ हैं जो भद्रा हरिद्रा देववती तुंगा वर्धा और कुमावती।
पूर्वी कृष्णा नदी के मिलने वाले के लिए पहले कमोवेश उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। कृष्णा नदी के अंत में बंगाल की खाड़ी में जो मिलती है। चंद्रयान मिशन 3 फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा घोषणा की गई कि अगस्त 2022 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है और जो चंद्रयान 3 मिशन जो 19 में चंद्रयान 2 का जो पूरक मिशन होगा जिसका उद्देश्य चंद्रमा की ध्रुव पर जो एक रोवर को उतारना था। चंद्रयान 3 में जो एक ऑर्बिटल और एक लैंडर मॉड्यूल होगा और चंद्रयान 3 में जो एक लैंडर को चंद्रमा को ले जाने के लिए उसकी कक्षा में लैंडिंग निगरानी करने के लिए लैंडर स्टेशन के जो पर्चा तक संचार करने के सीमित रहेगा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा सतीश धवन हनी केंद्र जो आंध्र प्रदेश से इसका हुआ था प्रक्षेपण और जो GSLV मार्क 3 के द्वारा और सितंबर में अपने लैंडर को संपर्क टूटने कारण ये मिशन असफल रह गया था। तो ऐसे आंशिक सफल बोल सकते हैं चंद्रयान 2। ये भाई पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटल लैंडर विक्रम और जो रोवर प्रज्ञान का जो प्रयोग और चंद्रयान 2 को जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में उतारना था कि जहां पर सभी अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 जो योजना का शुभारंभ चर्चा में क्यों अगस्त 2021 में जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया गया। लक्ष्य जो 1 करोड़ लोगों के साथ में 50 लाख जिलों में 21 लाख से निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब 2016 में स्टार्ट हुई भैया 2016 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा इसको देख लेते हैं पहले ये जो इसमें चंद्रयान वाले में इसको थोड़ा सा बता देता हूँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो चंद्रयान फर्स्ट है हमारा तो उसका उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह को सेट करना था। वहीं जो इसमें जो सफल जो 2008 में PSLV रॉकेट से इसका यूज किया गया था और चंद्रयान सेकेंड जो बात थी हमारी और चंद्रयान 3rd जो सेकेंड में जो हमारा अधूरा रह गया था उसको पूरा करना है। इसमें चंद्रयान फर्स्ट में जो पानी की खोज पर चंद्रमा के लिए और मिस में मान लिया कि भारत में इस प्रकार के ऑर्बिटल को पानी में खोजने के लिए कंप्लीट किया है जो फर्स्ट जो और सेकंड जो 2019 में जो आंशिक रूप से सफल हुआ जो ये आंशिक रूप से इसमें जो ये था हमारा ऑर्बिटल ये इसमें ऑर्बिटल था और लैंडर जो विक्रम था और एक रोवर था। रोवर का मतलब है रोबोट था इसमें और जो इसमें जो रोवर और लैंडर के में कनेक्शन ब्रेक हो गया था जो पूरी तरह से ये सफल नहीं हुआ आंशिक सफल बोल सकते हैं। इसमें GSLV यूज किया गया था और चंद्रयान थर्ड में जो इसमें लक्ष्य जो मनुष्य को भेजने का था। अब चंद्रयान थर्ड जो होगा वो जो सेकंड में पहले जो हमारा ऐसा बोलोगे तो उसको पूरे काम को पूरा करेगा फिर चंद्रयान 4th भेजा जाएगा इसके बाद। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 ये अब देखते हैं इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ भाई इसमें जो है प्रधानमंत्री 2.0 योजना का शुभारंभ जो है इसमें 21 लाख लोगों को जो मुफ्त कनेक्शन गैस कनेक्शन दिया गया। एक परिवार में औसत जो 5 लाख लोग माने तो एक में माने जो 5 लाख सॉरी 5 मानते हैं एक परिवार में 5 लोग को है और इसमें 21 लाख लोगों को दिया तो 21 × 5 = 105 ये आ गया करोड़ों लोग आ गया। तो इसको एक बोल सकते हैं एक लगभग 1 करोड़ लोगों को जो ईंधन कनेक्शन दिया इसका फायदा हो और नागरिकों को जिसके स्वास्थ्य पर जो वो बहुत फायदा होगा। इसका फायदा है ना महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में होगा इसका फायदा CO2 एमिशन को कम करने में होगा और इसका जो फायदा परंपरागत जो हमारे जो ईंधन है उनको जो लकड़ी को काटना ये रोकने से इसके लिए इसका यूज होगा। अब देखो यह योजना इसके लिए अनगिनत फायदे हैं भाई बहुत सारे फायदे हैं ये एक योजना है ये हमारी और इसके अनगिनत फायदे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर ये हमारी जो है उज्ज्वला 2.0 जो योजना जो इसके एक योजना और बहुत सारे फायदे कैसे हैं इसको समझ सकते हैं भाई कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है जब वह जो धुएं में अंदर जो खाना बनाती है भाई महिला खाना बना रही है
तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा उसके जो सर बॉडी पे पड़ेगा। इस धुएं के अंदर जो खाना बनाती है इससे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, यकीन मानिए। एक बार है ना मैंने क्या काम किया, एक हवाबाजी में करते हुए ऐसी जो जिस चूल्हे पर खीर बनाने की कोशिश की, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दो बड़ी बहुत बढ़िया जो चैलेंज थे, तो उनमें से एक चैलेंज तो ये था कि उस लोह के साथ जो जलाए रखना जो फर्स्ट चुनौती थी, भाई लोगों को जो जो आँच है जो आग है उसको जलाए रखना लगातार कंटिन्यू। सेकंड जो अब क्या क्या होता है कि भाई जो गैस में है, गैस में जो कम बढ़ता जो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हम जो, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते इसमें तो। और सेकंड चुनौती क्या थी भाई, कभी भी लोगों को जो कभी धीमी करना था और कभी ज़्यादा करना था, तो बहुत बड़ी चुनौती थी। कभी करके देखना भी बहुत पता लग जाएगा कि क्या होता है। तो मुझे बहुत अद्भुत लगा कि भाई लगता है कि भाई पुरानी महिलाएं हैं ना, जैसे कि मेरी माँ है, तो किस तरह से अपने आप को जिसमें पारंगत किया हुआ है कि वो जो लोह को भी लगातार जलाए रखती है और लोह को जो स्पीड को भी मेंटेन करके रखती है कि भाई किस कब जो आँच थोड़ी तेज करनी है, किस में कब थोड़ी कम करनी है। तो इस प्रकार जो काम करने के बाद जो मैंने जो 2 घंटे काम किया, तो फिर मेरे को लगा कि भाई अब जो पढ़ा नहीं सकता। यह बहुत ही मुझे अद्भुत लगा कि नारी शक्ति का एक बहुत अद्भुत जो उदार है, बहुत बड़ा काम है कि वो इस काम को करने के बाद जो खेत का काम भी करती है मेरी माँ, और उसके बाद जो जैसे ही जो आंधी तूफान आते हैं तो आग का भाई सबसे बड़ी बात आंधी तूफान आ गया, मानिए सपोज करो जैसे अभी चल रहा है मौसम चल रहा है तो आंधी तूफान इसमें आनी आनी है ऐसे टाइम पे, तो आंधी तूफान फिर आग को कपड़े जो आग होती है वो हमारे जो उनके जो माता बहन है उनके जो आग कपड़ों को न पकड़ ले, ये भी बहुत बड़ा वो होता है। और पहले जो साड़ी जो धोती पहनती थी फिर भी जो इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जो खाना बना बड़ी तीव्रता से बना लेती थी, आपने देखा ना पहले जो महिलाएं बड़ी बूढ़ी हैं वो जो साड़ी और आपका जो ये धोती पहनती थी, अब तब भी है ना बड़ी जितनी भी कभी अलग अलग डिमांड होती थी कि भाई ये बनाना, पहले तो ये बनाना आपको, ये अलग अलग सारी चीज़ें दूध वगैरह भी ये तुम्हारे इसमें होते थे। तो अब हमारे देश की नारी शक्ति को बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जो नारी शक्ति की परिस्थिति में भोजन ऐसी परिस्थिति में भोजन पर का प्रबंध करती है। 50 जिलों में इस प्रकार की योजना को चुना गया है, क्योंकि वो अलग बात है भाई। देखो ये कि अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया गया। लक्ष्य जो है 1 करोड़ लोगों को जो 50 जिलों के लिए 21 लाख निःशुल्क रसोई कनेक्शन प्राप्त को प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 1.0 ये जो ना जो हमारा 2016 में किसने केंद्रीय पेट्रोलियम और जो गैस मंत्रालय जो उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध कराना, विशेषतः महिलाओं के नाम पर जो रसोई कनेक्शन जिसमें है, और योजना के पहले चरण में जो 5 करोड़ BPL परिवार की महिलाओं के लिए निःशुल्क LPG कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, और वर्ष 2018 में 5 करोड़ के बजाय जो 8 करोड़ लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, इसे जो वर्ष 2019 में प्राप्त कर लिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जो इस योजना को वैश्विक स्तर पर जो सफलतम योजना कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको भी अप्रिशिएट किया है। दूसरे चरण के लिए क्या से अलग है, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लिए मुख्यतः 3 उन लोगों के लिए लक्षित किया गया है जो रोजगार अथवा जो किसी कारण से मूल स्थान से बजाय जो अपने अन्य स्थान पर जो रसोई का कनेक्शन लेने में कठिनाई आती थी। अब जो इसके अलावा जो चरण में गरीबी रेखा को शर्त यह समाप्त कर दिया गया है, BPL को समाप्त कर दिया गया है, वह देश के लिए रसोई में रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। फिर क्या हुआ, एक तो इसमें दो थी, एक तो प्रवासी लोगों के लिए है भैया, ठीक है ना, वो भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे काम के लिए यहाँ पे आए फिर दूसरी जगह ट्रांसफर तो उसके लिए भी, और दूसरी वो जो BPL की इसमें शर्त नहीं है कि पहला ही था BPL को मिलेगा, नहीं BPL की शर्त नहीं है। उज्वला, अच्छा उजाला और उज्वला दोनों अलग अलग हैं भाई, देखो ध्यान रखना इस बात का, तो उजाला और उज्वला, जहां उजाला में LED बल्ब मिलता है भाई उजाला योजना जो अलग है। उजाला 5 जनवरी 2015 को किसने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने स्टार्ट की, नोडल एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, उद्देश्य जो कम लागत पर जो LED बल्ब उपलब्ध कराकर जो ऊर्जा बचत को ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन करना, विशेष विद्युतीकरण के लिए उद्देश्य से चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी घरेलू योजना के रूप में जो स्वदेशी घरेलू तकनीक पर प्रयोग प्रतिवर्ष 50 मिलियन किलोवाट बचत करना, CSGS के लिए उत्सर्जन के लिए प्रतिवर्ष अनुमानित 38 मिलियन टन CO2 की कमी है,
और जल ग्राम उजाला योजना, यह कब, ग्राम उजाला योजना 2021 में किसने, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने, नोडल एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द ESL, ये भी योजनाओं का महत्व, ग्रामीण रोजगार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थ को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के निपटने में सहायक है, LED बल्ब को बचाने में सहायक है, CO2 उत्सर्जन में कमी है, कमी होगी इससे। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, नेशनल मोनेटाइजेशन ऑफ पाइपलाइन, क्या है ये, वर्ष 2021 में किसने, नीति आयोग द्वारा योजना की अवधि जब 2025 तक, उद्देश्य नई बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, लक्ष्य जो सरकारी परिसंपत्तियों को लीज पर देकर जो 4 वर्षों के भीतर जो 6 करोड़ रुपए की आय अर्जित करना, जैसे से बोल रेलवे की जमीन पड़ी है, बराबर जमीन पड़ी है, उसको लीज पर दे दिया जाए, तो ये इस तरह का इसमें मुख्य बिंदु। इस योजना के द्वारा कम तहत जो प्रयोग में आने वाली संपत्तियों को लीज या किराए पर दे दी जाएगी, समझौते के जो समय सीमा के बाद जो संपत्ति सरकार के वापस दे दी जाएगी, केवल जो केंद्र सरकार के मंत्रालय और जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए संपत्ति को पर ही संपत्ति होगी, संपत्ति सम्मिलित होगी, और जो योजना के तहत जो केवल जो ब्राउन फील्ड परियोजना सम्मिलित है और सरकार सरकारी संपत्तियों को नहीं बेचेगी, उन्हें ही जो निजीकरण करेगी, सरकार का जो स्वामित्व बना रहेगा। सरकार की जो लक्ष्य अगले 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है, इस राशि को अन्य जो विकास कार्यों में गवर्नमेंट खर्च करेगी भी। नेक्स्ट हमारा ईज 4.0, तो इसको बोलते हैं भाई, इसको समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ई 4 इनहेरिट्स, ए फॉर एक्सेस, एस फॉर सर्विस, ई फॉर एक्सीलेंस, और 4 पॉइंट मतलब ये 4 इसका 4 वर्जन है। तो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने अनलिफ्ट्स ऑफ द 4th एडिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिफॉर्म्स एजेंडा, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑफ सिंप्लीफाइड ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग, कब, जुलाई 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई राष्ट्रीय, इसमें क्या है, कब, जुलाई 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों का जो प्रदर्शन का आकलन करना, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की कार्यशीलता और जो प्रभावशीलता को सुधार करना, स्वच्छ और स्मार्ट संस्थागत बैंकिंग, इस के तहत जो प्रसारित विषय 20x4 बैंकिंग 7 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, और उत्तर पूर्वी 6 राज्यों के लिए बैंकों का फोकस किया गया है, बैड बैंक, एक जिला एक निर्यात, एक वो जो एजेंडा को निर्यात करने के लिए राज्यों के लिए मिलकर जो काम करना, एक जिले को जो कुछ अलग बनाएंगे, कुछ बनाएंगे तो उसको जो फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे आगे, ये ईच 4.2 तक की इनोवेटिव स्मार्ट लैंडिंग्स डायल लोन के लिए, और डायल करते हुए लोन मिल जाएगा एक तरह से, विन बैंकिंग के लिए रेजिडेंस टेक्नोलॉजी है, पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ द मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल से सारी चीज़ें हो जाएंगी अब जो इसमें, ठीक है, तो 1-to-1 इंटरफेस, लोकल लैंग्वेजेस, सब चीज़ें इसमें जो इस तरह से आएंगे। ईज 1.0 के सार्वजनिक बैंकों के लिए NPA में सुधार लाना था 2018 में। ईज 2.0 वित्तीय समावेश जिम्मेदार बैंकिंग ग्राहक फीडबैक 2019, और ईज 3.0 सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाना 2020। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी रखने की अनुमति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने की अनुमति दी गई है। क्यों, विशेष क्यों है, हालांकि जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा के लिए तहत जो पूर्ववर्ती शिक्षा के लिए योजनाओं के सम्मिलित करने की घोषणा की गई है, परंतु राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा का अभियान जारी रहेगा। इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब, 2013 में किसने, तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण 2065 और 2035 का जो, और पूर्वोत्तर के लिए 90 और 10 का रेशियो रहेगा। इसमें जो देश से जो उच्चतर शिक्षा में समानता और जो पहुँच और उत्कृष्टता को समावेश करना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जैसे कि पात्र और शिक्षा
उच्चतर शिक्षा के लिए वित्त पोषित करने के लिए 2013 में प्रारंभ किया गया है, जो केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के लिए 65:35 के अनुपात में, विशेष राज्य वर्ग के लिए 90:10 के अनुपात में है। मापदंड आधारित जो आउटकम आधारित होगा, वित्तीय संस्थानों के पहुंचने के लिए अधिनियम केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य द्वारा संघ प्रदेशों के माध्यम से राज्य स्तर परिषदों के परिषदों को दिया जाता है को जाता है। उत्तर राज्य स्तर शिक्षा अभियानों के लिए समान चलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों के लिए अधीन निधियम दिया जाता है, जो उत्तर शिक्षा के समानता पहुंच और उत्कृष्टता मामलों के सुलझाने के लिए राज्य की योजना को व्याख्या करता है। राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान रूसा, इसको रूसा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा समर्थ अभियान। समर्थ अभियान मार्च 2022 को लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्टार्ट हुआ, किसने जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुआ। उद्देश्य महिलाओं उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। समर्थ पहल जो अंतर्गत जो मंत्रालय के लिए कौशल विकास और परियोजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम को 20% महिलाओं के लिए है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ और कौशल्य मातृत्व योजना है छत्तीसगढ़ की करीब कब जो मार्च 2022 में किसने छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्देश्य जो बाल लिंगानुपात के स्तर में सुधार लाना है। दूसरी बेटी जन्म होने पर जो पहले जो महिला को 1,5,000 रुपये दिए जाएंगे भाई, जो पहली बेटी तो है दूसरी बेटी हो जाती है तो। स्त्री मनोरक्षक परियोजना मार्च 2022 को केंद्रीय बाल एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। उद्देश्य जो वन स्टॉप सेंटर में माध्यम से महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य के सुधार लाना होगा इसमें, और देश में लगभग जो 6,000 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो महिलाओं को निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाएगा। इसमें झरोका उत्सव हस्तशिल्प हस्तकरघा और जो कला संस्कृति उत्सव जो झरोका उससे रिलेटेड है, कब 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो कहाँ भोपाल में आयोजित किया गया, किसने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा संचालित किया गया। उद्देश्य जो परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा और जो कला संस्कृति का उत्सव को महिलाओं के लिए भूमि को स्मरण करना और जो प्रोत्साहित करना है, अपनी इसी कार्यक्रम की कला में जो महिलाओं को योगदान को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा पीएम दक्ष योजना। मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में सूचित किया गया है कि 2020 में यह है और 2021 के दौरान जो पीएम दक्ष योजना के लिए क्रम से 44.79 करोड़ और जो 79.48 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है पीएम दक्ष योजना। कब 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष ऐप किसने सामाजिक न्याय और जो आधिकारिक मंत्रालय NEGD नेशनल ई गवर्नमेंस डिवीजन के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया गया है। उद्देश्य SC ST पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी को लक्षित को जो कौशल विकास योजना को सुलभ बनाना है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब मार्च 2022 में किसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा बेंगलुरु में कंपनी अभियान 2013 के जो RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पूंजी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए से और आरंभिक उद्देश्य जो वित्तीय समावेशन ऐसा यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें नियमित करने में जो देश कम और आय कमाई वाली जनसंख्या के लिए वित्तीय सेवा और जो उत्पादों की पहुंच को जो बढ़ावा देने में केंद्रित होगा। ये ब्रांच एक्सेस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन्स इसमें आ जाएंगे सारी। हब के जो पास एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसके अध्यक्ष जो गोपाल कृष्ण तथा उद्देश्य ऊर्जा अकादमिक जगत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य हैं। RBI की जो स्थापना के उद्देश्य जो अर्थात समावेशन के अंतर्राष्ट्रीय विषय और साथ में जो वित्तीय क्षेत्र की नवोन्मेष लाना और जो अनुसरण करना है शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो सारी इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चलें। चर्चा में क्यों है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बाहर होने का जो संकेत दे दिए हैं, इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय अक्षमता के कारण बताया है। क्यों ये अपने आप को निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं पीएम दक्ष योजना फसल योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब 2016 में स्टार्ट हुई, किसने? कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। तो फसलें सभी खाद्यान्न फसलें जो तिलहन, वाणिज्यिक बागवानी फसलें, बीमा जो प्रीमियम राशि जो खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए हमें 1.5% और बागवानी के लिए 5% है। योजनाओं की मुख्य बातें कौन कौन सी, इसमें केवल जो खड़ी फसल के लिए पूर्ण बुआई और जो फसल कटाई के पश्चात भी जोखिम को सम्मिलित किया गया है, और योजना के तहत जो स्थायी आपदाओं की क्षति का भी आकलन किया जाए करना, और संभावित दावों को 25% के तत्काल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। H2O का पहल, ये कब 2022 में विश्व जल दिवस के अवसर पर किसने यूनेस्को द्वारा वो उद्देश्य बच्चों 6 से 16 वर्ष के बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के प्रति सुरक्षा छात्रों को स्वस्थ रहने अनुभव प्रस्ताव को ज्यादा करने में सक्षम बनाना है। डॉक्थन फरवरी 2022 में किसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा उद्देश्य साइबर विशेषज्ञ के लिए डॉक वेब में अज्ञात बाजारों की पहचान करना है। प्रमुख बिंदु महामारी के बाद जो भारत में पार्सल और जो कुरियर के माध्यम से नशीली दवा बरामदगी के लगभग जो 250% की जो वृद्धि हुई है, जिसमें एक बड़ी संख्या में डार्क नेट बाजारों की जो माध्यम से मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी हुई है। स्माइल योजना कब फरवरी 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और जो आधिकारिक मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में केवल जो भिक्षावृत्ति के संलग्न लोगों को जो प्रारंभ करना के लिए प्रारंभ की गई है, किंतु नवीनकृत योजना के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय भी सम्मिलित हैं इसमें, और जो उद्देश्य जो पुनर्वास के साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य कानूनी सहायता जो देना इसको उनको देना। पिछले वर्ष जो इस योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो 7 शहर दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ और नागपुर, पटना में किया गया, किंतु इस योजना का जो दायरा समस्त राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया गया है। अब इसको हेल्थी स्माइल 2021 में मोबाइल एप्लीकेशन किसने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उद्देश्य बालों के दंत एवं जो दंत रोगों के बारे में जो जागरूक करना, और भारत में बच्चों के लगभग जो 40% से अधिक दांतों में संबंधित समस्या है। और Z0 कब 2022 में किसने यूनाइटेड किंगडम ने उद्देश्य जो हवाई यात्रा में होने वाले कार्बन अथवा जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने में पूरी तरह समाप्त करना, लक्ष्य जो 2050 तक अपने देश के लिए पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन को मुक्त करना है। Z0 योजना का इसका लक्ष्य एक भाग है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आहट कब फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल RPF उद्देश्य जो मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, सभी लंबी दूरी के ट्रेनें के लिए मार्ग पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को चुंगल से बचाने का ध्यान रखेंगे। पर्वतमाला योजना कब फरवरी 2022 में केंद्रीय सड़क और परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई, उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधार करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और जो यात्रियों में सुविधा को सुधार करना है। PPD मोड पर क्रियान्वित है। 2022-2023 में 60 किलोमीटर की लंबाई का लक्ष्य है इसमें। नेक्स्ट हमारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 कब फरवरी 2022 में राजस्थान के जयपुर से प्रारंभ, किसने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य विभाग, उद्देश्य 2 वर्ष के बच्चों के लिए 9 वर्ष की जो बीमारियों के लिए, इसमें जो मिशन इंद्रधनुष में जो है बच्चों के लिए 7 बीमारियों पर टीकाकरण किया गया था, फिर जो 5% जो 5 बीमारियां और एड जोड़ दी गई। अब 4.0 में इसमें जो 12 बीमारियों के में जो 9 टीकों की बात की गई है, 12 सम्मिलित किया गया है और जो बात की गई है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, तो ये ग्राफीन फरवरी 2022 में जहाँ पे जो केरल के जो हालांकि अभी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है, किसने केंद्रीय विज्ञान और मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जो प्रौद्योगिक विभाग टाटा स्टील द्वारा इस केंद्र को जो औद्योगिक भागीदार और ग्राफीन के संदर्भ में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ग्राफीन कार्बन का चौथा रूप होता है, सबसे पतला, जिसका कठोर सूचकांक अभी तक जो पदार्थों में सबसे अधिक है। कार्बन की जो पतली संरचना मोटाई 1.5 नैनोमीटर होती है। विद्युत जो है चालक होता है इसमें जो ग्राफीन, ये हीरे से भी ज़्यादा कठोर है, इसके कारण जो टच स्क्रीन मोबाइल है वो इतने सस्ते हो पाए हैं। अगर ये नहीं होता तो नहीं होता, ये देखो, ये तो सबसे बड़ी बात इसकी। और ग्राफीन राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 कब
फरवरी 2022 में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस जो हमारी उत्सर्जन को 15-25% तक कम करना है, प्लस भारतीय तेल गैस कोयले आयात को जो भारत की ऊर्जा को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग के प्रमुख बिंदु, वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन को हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य है। हरित ऊर्जा हाइड्रोजन हरित ऊर्जा अमोनिया निर्माता और जो पावर एक्सचेंज ऊर्जा खरीद सकते हैं और अथवा जो ऊर्जा का स्थापित कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया निर्यात के लिए अक्षय ऊर्जा 30 दिनों के भीतर वितरण कंपनी डिस्कॉम के पास जाकर जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कॉम लाइसेंस धारियों के लिए अपने जो राज्य के लिए हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया के निर्यात और जो रियायती कीमतों पर अक्षय ऊर्जा खरीद और आपूर्ति कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के निर्माताओं के लिए शिपिंग द्वारा इसके उपयोग हरित अमोनिया के लिए भंडारण के लिए बंदरगाहों के पास में बंकर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भूमि संबंधित पतन अधिक प्राधिकरण और जो लागू शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। नीति में पौधे से हरित जो हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी। इस हाइड्रोजन और जो अमोनिया भविष्य के लिए जीवाश्म ईंधन का निर्भरता कम करेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मंत्रालय द्वारा व्यापार सुगमता सुनिश्चित कम करने के लिए एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। श्रेष्ठ योजना कब ये हुई हमारी, फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई है। किसने, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आधारित मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारी अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा को प्रदान करने का जो समग्र विकास करना कि उनको जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे पैसे जो गवर्नमेंट देगी। इसके प्रमुख बिंदु योजना के अंतर्गत जो 5 वर्षों तक नीति आयोग द्वारा जो चिन्हित जिलों के लिए अनुसूचित जनजाति के 9वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसमें सकारात्मक स्वदेशी सूची पॉजिटिव जो हमें इसमें कब जो है जनवरी 2021 में से जनवरी 2022 में पुनः संशोधित। किसने, रक्षा मंत्रालय। उद्देश्य रक्षा विनिर्माण और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। प्रमुख बिंदु इस सूची में जो निम्नलिखित दिए गए जो उपकरणों के लिए स्वदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया जाता है कि इस संदर्भ में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें न केवल जो देश में रोजगार अवसर प्रसारित होंगे बल्कि जो रक्षा क्षेत्र में विदेशी जो निर्भरता पर अंकुश लगाने की मदद मिलेगी। रक्षा क्षेत्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्यों, जो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्षेत्र में जो अमेरिका और चीन के बाद जो सबसे अधिक खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो ये है, ये करता है सबसे 772 मिलियन डॉलर है, और चाइना 261, इंडिया 71, रशिया 65 और सऊदी अरब जो 62। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये हमारा 2019 में ये कितना था, 1917 मिलियन डॉलर था ये, और जो 6.3 ग्रोथ हुई इसमें 2010 से। और नाउ द ग्लोबल मिलिट्री बाय द यूएस में जो 38%। नेक्स्ट हमारे पढ़े भारत अभियान, 100 दिवसीय पठन पाठन अभियान है। कब, जनवरी 1 जनवरी से अब 10 अप्रैल तक 2022 तक। किसने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। उद्देश्य स्थानीय जनजातीय भाषाओं जो मातृभाषा के लिए पाठ्य पुस्तकों के लिए उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए पाठ्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। फ्लाई एस मैनेजमेंट एंड द यूटिलाइजेशन मिशन, जनवरी 2022 में फ्लाई एस जो मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन मिशन का गठन करने वाली एनजीटी का निर्देश, जिसमें जो फ्लाई एस वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। मिशन के कार्य फ्लाई एस और जो इससे संबंधित मुद्दे के लिए प्रबंध और जो निपटन है तो जो समन्वय निगरानी करना। मिशन अप्रयुक्त फ्लाई एस के जो वार्षिक स्टॉक के निपटने के लिए निगरानी करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि फ्लाई एस को कम से कम 2 खतरनाक तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है। नोडल एजेंसी केंद्रीय
पर्यावरण वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सचिवालय। एस्ट्रेक कब 2018 में किसने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा उद्देश्य फ्लाई एश को जो उचित प्रबंध करना प्लस नए निर्माण कार्यों में प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा वन न्यूक्लियर इनोवेशन प्रोग्राम कब 2 दिसंबर 2021 में किसने नीति आयोग द्वारा उद्देश्य जो देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों की जो सशक्त बनाने के लिए। प्रमुख बिंदु यह कार्यक्रम जो विभिन्न प्रकार के लिए भाषाई समुदाय को डिजाइन और जो इनोवेशन क्षमताओं को मजबूत करेगा जिसमें जो स्थानीय उद्यमियों के लिए कामगारी को लिए AMI द्वारा जो विकसित तकनीकी सामग्री को अपनाने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम नवोन्मेषकों को और जो उद्यमियों के लिए 8वीं अनुसूची में भाषित उल्लेखित 22 भाषाओं के लिए कौन सी कितनी है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है। यह स्थानीय स्तर पर जो डिजाइन विशेषज्ञ और नवाचार प्रवेश जो पेशवरों को मजबूत करने के लिए नेटवर्क निर्माण करने में सहायता करेगा। यह युवाओं को संज्ञानात्मक डिजाइन के लिए संबोधन सोच को मजबूत करेगा। यह पहला भाषा बाधाओं को दूर करने वाला और देश के जो दूरस्थ क्षेत्रों में नवोन्मेष को सशक्त बनाने के लिए सहायक होगा। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चर्चा में क्यों है भैया। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की विस्तारी को मंजूरी दे दी गई है। कब 2015 में स्टार्ट हुई किसने केंद्रीय कृषि और विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई किसानों को सिंचाई उपकरणों और सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। केंद्र जो राज्यों के लिए 75 इसमें केंद्र का जो 75 है और राज्य का जो हमारा जो 25 यह उद्देश्य जो हर खेत को पानी लक्ष्य जो गैर संचित कृषि भूमि को संचित कृषि भूमि में परिवर्तित करना अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने के लिए किसानों के लिए आय में वृद्धि करना जल संरक्षण भू संरक्षण भू जल को स्तर को वृद्धि करना है। योजना के लिए उन छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए नाम पर कृषि भूमि इसका उद्देश्य है इनका। अच्छा ग्लोबल गेटवे योजना कब दिसंबर 2021 में किसने यूरोपीय यूनियन ने उद्देश्य वर्ष 2021 तक दुनिया भर के जो सार्वजनिक एवं निजी बुनियादी ढांचे में हुए 300 अरब यूरो को जुटाना होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो फंड किस प्रकार जुटाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा परफॉर्म द अचीवर एंड द ट्रेड योजना क्यों चर्चा में क्यों है। दिसंबर 2021 में पर्यावरण केंद्र सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन उपलब्धि और जो व्यापार परफॉर्म अचीव एंड द ट्रेड योजना के दोषपूर्ण क्रियान्वयन को प्रकट किया गया है। अभी योजना कब 2008 में स्टार्ट हुई किसने जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका जो उद्देश्य भारतीय उद्योग के लिए ऊर्जा दक्षता के सुधार करना और जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करना है। परफॉर्म द अचीवर ऑफ द ट्रेड्स पैट्स स्कीम्स आर द मार्केट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म्स ऑफ एसिलेट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी इज द इंटेंसिव ऑफ इंडस्ट्रीज द एनर्जी एंड द सेविंग अचीव्ड ऑफ नोटिफाइड इंडस्ट्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू द ट्रेडेबल्स इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड द एनर्जी सेविंग्स सर्टिफिकेट्स CSE आर द सर्टिफिकेट इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ट्रेड्स ऑफ पावर एक्सचेंजेस। पैट में सम्मिलित ऊर्जा जो गहन क्षेत्र थर्मल पावर प्लांट सीमेंट एल्यूमिनियम लोहा इस्पात कागज उर्वरक जो क्लोर क्षार और जो पेट्रोडाइन रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स वित्तीय कंपनियां रेलवे कपड़ा और वाणिज्यिक भवन होटल और हवाई अड्डे। नो पैट एक संपत्ति सर्वाधिक जो संवर्धित ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन और का हिस्सा है जो जलवायु परिवर्तन का ऊर्जा कार्यान्वयन योजना से मिशन में से एक है। जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना कब 2008 में किसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों को जागृत करना है और योजना के तहत जो 8 मूलतः लक्ष्य स्वीकृति है जो संवर्धित ऊर्जा को मिशन और जो राष्ट्रीय सौर मिशन सुस्थिर निवास राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय जल मिशन है
सुस्थिर जो हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हेतु जो राष्ट्रीय मिशन है, हरित भारत हेतु जो राष्ट्रीय मिशन है, सुस्थिर कृषि हेतु जो राष्ट्रीय मिशन है, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान को जो राष्ट्रीय मिशन है, आठ इसमें ये है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार और विद्युत मंत्रालय, नेशनल मिशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता को मिशन NMEEE राष्ट्रीय कार्य योजना परिवर्तन के लिए NAPCC के तहत जो आठ मिशनों के लिए से एक है, जो NMEEE के अनुकूल नियामक और नीतिगत व्यवस्था को बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना और उनसे दक्ष ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नवीन और स्थानीय व्यापार मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, यह कब, नवंबर 2021 में। किसने, जो केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्रालय। क्या, SC ST के लिए उद्योग के लिए उन्नत तकनीकी और जो मशीन और जो सेवाओं के लिए खरीदी के लिए 25% की सब्सिडी। उद्देश्य, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के नवाचार उद्योगों के लिए समावेशी करना और उच्च, ताकि जो उत्पादक में वृद्धि करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशीलता मिल सके। दुआरे राशन योजना, कब, नवंबर 2021 में। किसने, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। ये हमारा जो उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो माध्यम से हर घर तक राशन उपलब्ध करना, सूचित करना, इस योजना के तहत जो द्वारा खाद्य साथी और अमर राशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है इसमें। ओ स्मार्ट योजना, पूरा नाम जो ओशियन सर्विस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स ऑफ मॉडलिंग एंड सर्विस, नवंबर 2021 में, इस नवंबर 2021 में स्टार्ट हुई। किसने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य, राष्ट्र राज्य समुद्री अनुसंधान को जो अनुसंधान को रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी चेतावनी मौसम प्रणाली को स्थापित करना है। ओ स्मार्ट बेनिफिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और द एसर्जिट सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी जो हार्नेसिंग ओशियन रिसोर्सेज। पोषण स्मार्ट गांव, कब, नवंबर 2021 में। किसने, केंद्रीय कृषि एवं जो किसान मंत्रालय। उद्देश्य, जो गांवों में राष्ट्रीय पोषण अभियान को मजबूती प्रदान करना, इसके तहत गांवों को निजी एवं जो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक इकाइयों द्वारा गोद लिया जाएगा। इस प्रकार लोगों को कुछ पोषण समस्या को दूर करने के लिए सुधार एवं कार्य क्रियान्वयन को रूपरेखा निर्मित की जाएगी। इस पहल का जो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोषण संबंधी जागरूकता और शिक्षा व्यापार परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जिसमें कार्य और करने के लिए महिलाओं और विद्यालय को आने वाली बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना, कब, अक्टूबर 2021। निजी संस्थाओं द्वारा एक औद्योगिक निकाय है जो भारत के अंतरिक्ष के लिए तकनीकी पर जो प्रसार बढ़ाएगा। संस्था सदस्य जो भारत, भारतीय एयरटेल, लॉन्च नेटोब्रो, नेलका, टाटा ग्रुप, इनवेब, मैप, वाई इंडिया, वोल चंदनगर और इंडस्ट्रीज, अनंत टेक्नोलॉजीज जैसी प्रमुख कंपनियां हैं इसमें। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के सब क्यों पड़ी कंपनियों के संग बनाने की जरूरत, क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजार की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इसमें इस जो इसरो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अंतरिक्ष आधारित संरचना के माध्यम को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मंच सरकार की मंच सरकार अब स्पेस सेक्टर के जो संचालन नहीं रह सकती, इसलिए क्षेत्र में जो संबल बनाने के लिए ताकत बना सकते हैं। इसमें कड़ी क्षेत्र में नीतियां और प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नियोजित करेगी, दुनिया के लिए प्राइवेट सेक्टर को मिल सके, जैसे अदर कंट्री ने किया, जैसे एलन मस्क वो नासा के, तो गवर्नमेंट है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने बोला है। तो जैसे ये अदर कंट्री में होता है, तो ऐसे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी अभी देखने को मिल जाए कि भाई हमारे जो सपोज करो अडानी ने या फिर अंबानी ने अपना ये जो ये सफल परीक्षण किया इस तरह का, हमें सहायता करेगा हमारे जो हमारे ये DRDO और ये और नेक्स्ट हमारा वाटर नेक्स्ट स्क्रेड्स पोर्टल।
पोर्टल का जो औपचारिक नाम जो सीनियर्स ऑफ द एबल सिटीजन ऑफ री एम्प्लॉयमेंट इन डिजनिटी, कब? 1 अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के आधार पर लॉन्च किया गया, किसने? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारी कबूतरल को रोजगार जो अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब? 2021 में, किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, उद्देश्य जो सभी प्रकार के लिए नागरिकों को अस्पताल बीमा और आवश्यकता पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड तक पहुँचाने के लिए और डिजिटल स्वास्थ्य पर जो आईडी बना प्रदान करना है। वस्तुतः यह जो आयुष्मान भारत योजना का एक डिजिटल मोड है, जिसका मूलतः उद्देश्य जो नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को ऑनलाइन संग्रह करना है। मिशन के तहत जो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाएगी, जो एक प्रकार के स्वास्थ्य खाते के रूप में कार्य करेगी। इस खाते में परीक्षण, बीमारी, डॉक्टर से जो अप्लाई जो अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जो इसमें दवाई इत्यादि के बारे में समस्त जानकारी रहेगी। द NDHM इकोसिस्टम माई पोर्ट ऐप, ये जो इंट्रोड्यूसिंग द माई पोर्ट, 1 अक्टूबर 2021 में केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय पोर्ट संचालन के माध्यम से निगरानी लॉन्च करेगा। इसमें पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बंदरगाह संबंधी जानकारी प्रदान कर रहा मैं बंदरगाह के बाद सभी जो डिजिटल के रूप में डिजिटल करना है। इसमें जो टैक्स इनफेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम कब? 1 अक्टूबर 2021 में, किसने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा आर्थिक विकास संगठन इस कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाना करना है। आईड्रोन पूरा नाम ड्रोन रेस्पॉन्स ऑफ द आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट कब? 1 अक्टूबर 2021 में, किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR द्वारा विकसित किया गया कि कठिन जो दुर्गम इलाकों में ड्रोन आधारित वैक्सीन को डिलीवरी। हाई एम्बिशंस ऑफ कोरेशंस ऑफ कोलिटिशन ऑफ नेचर एंड द पीपल्स अक्टूबर में भारत और जो हाई एम्बिशंस कोलिशंस फॉर द नेचर एंड द पीपल्स सम्मिलित हुआ। भारत AHAC सम्मिलित होने वाला पहला ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश है। हाई एम्बिशंस कोलिशन एंड द नेचर्स ऑफ पीपल्स कब? 2019 में, किसने? कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन प्रकृति एक अंतरिक्ष समूह एक अंतर सरकारी समूह है सदस्य 72 है। उद्देश्य जो वैश्विक 30x30 लक्ष्य 2030 तक दुनिया की कम को बोझ करना कम करना 30% भूमि महासागर रक्षा को लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोझ को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की जो 60 सूत्री योजना चर्चा में की हुए 1 अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री अध्यक्षता में विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालयों की बैठक हुई, इसमें 60 सूत्री योजना की रूपरेखा की चर्चा की गई है। भी हालांकि इस योजना के संबंध जो औपचारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की गई है, माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो इस प्रकार की योजना जारी रख कर सकती है। क्या है 60 सूत्री योजना? वस्तुतः योजना के लिए डाटा अधिकतम कुशल और योग्यता मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। ये डेटा के जो अधिकतम उपयोग के लिए 3 क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं, शासन प्रणाली, आर्थिक गतिविधियों में सिविल सेवाओं को सुधार करना और सुनिश्चित करना है। योजना के लिए प्रारंभिक चरण में केंद्र सरकार द्वारा उद्देश्य इन 3 60 लक्ष्यों को अर्थवा जो विषयों को चिन्हित किया गया है। इन 60 सूत्रीय योजनाओं के लिए अलग अलग मंत्रालय का नाम दर्ज है। मोटे तौर पर इन 3 विभाग में जोड़ दिया गया है, शासन के लिए IT का लाभ उठाना और जो वैश्विक माहौल पर सुधार करना और जो सिविल सेवाओं को बेहतर करना है। बिजनेस आकर्षित करने के लिए इसमें कई बिंदुओं पर शामिल किया गया है, जिसमें कुछ जो अनुमितियाँ को समाप्त कर दिया गया है। 10 क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए कम करना और इन्हें वियतनाम और इंडोनेशिया के बराबर लाना है। समय पर जो भूमि अधिग्रहण और
वन मंजूरी राज्यों को प्रोत्साहित करना है, एक व्यापक पर्यावरण प्रबंध और अधिनियम दूषित और कानून को सम्मिलित हो। योजनाओं के लिए नीति आयोग 5 सालों में गरीबी निपटाने के लिए लक्ष्य करने के लिए कहा गया है। अलग अलग मंत्रियों की योजनाओं के लिए आधार बातों की गई है। इसमें जो कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार के विभागों और मंत्रालय को दूसरे राज्यों में सफलता को सीख लेने के लिए कहा गया है। छठा पॉइंट हमारा जो खेल विभाग राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा मॉडल को अपनाने के लिए, ठीक है ना, कि एक जो प्रशासनिक क्षेत्र में लोक शिकायत और राष्ट्रीय राजीव भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर सर्कुलेशन जैसे जो सरकारी सर्कुलेशन को ध्यान में रखने कहा गया है। आठवां हमारा जो इसके अलावा जो सेंट्रल कमांड जो कमान नियंत्रक जैसी प्रणाली को इंडस्ट्री द्वारा जो सेवा के रूप में उपलब्ध कराने किया जा सकता है ताकि छोटे खेल को लाभ उठा सके। नौवां हमारा पीएम के रूप में आवास क्षेत्रीय योजना मंत्रालय झुग्गियों के लिए विस्तार करने के लिए रोकने के लिए केंद्र के लिए लोगों के लिए आवासीय क्षेत्र का योजना कहा गया। इसमें कहा गया कि सभी सरकारी आंकड़ों को सभी मंत्रालय के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो सोवरेन गोल्डन बॉन्ड चर्चा में क्यों है, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा सोवरेन गोल्डन बॉन्ड की समीक्षा की गई है। इसमें योजना चर्चा में रही है जो सोवरेन गोल्डन बॉन्ड कब 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय योजना के तहत जो न्यूनतम ग्रामीण और जो अधिकतम जो 500 ग्राम सोने का मूल्य के बराबर जो बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। स्वर्ण बॉन्ड के लिए प्रतिभूति अधिनियम 2006 के अनुसार भारत सरकार के स्टॉक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। बॉन्ड की परिपक्वता अवधि जो वर्ष 8 वर्ष और 5/6 और जो 7वें वर्ष में इसमें बाहर निकालने के लिए विकल्प उपलब्ध है। ब्याज की दर जो 2.5% है और बॉन्ड का उपयोग जो ऋण के रूप में गारंटी के रूप में किया जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो गोल्डन बॉन्ड को प्राप्त करने वाले ब्याज पर अदा करना होता है, हालांकि पूंजीगत लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत जो बैंकों के द्वारा प्राप्त किए गए बॉन्डों की गिनती जो वैधानिक तरलता अनुपात CLR के में की जाती है। उद्देश्य मंदिरों और घरों में जमा करने वाले सोने के जो विशाल मात्रा को उत्पादक जो उत्पादक कार्य में लगाना है। सोने का आयात कम करना होगा, विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा, चालू घाटे को कम करना होगा। मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 आवासीय और शहरी मंत्रालय स्टीव वेडर्स के लिए होम डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 को स्टार्ट किया गया जो रेडी वगैरह लगाते हैं उनके लिए स्ट्रीट वेंडर्स। कब सितंबर 2021 में किसने केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय IT मंत्रालय सहयोग से जो PM स्वनिधि योजना के तहत लॉन्च किया गया। उद्देश्य जो स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाना, उनको जानकारी देना। अभियान में स्ट्रीट वेंडर को UPI के माध्यम से जो भुगतान करने के संबंध में प्रशिक्षित करने किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि। कब 2020 में किसने केंद्रीय आवास और जो शहरी मंत्रालय PM स्वनिधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर को अधिकतम 10,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका था। यह ऋण जो कारोबार को शुरू करने में मदद करता है, यह ऋण आसान किस्तों में साथ दिया जाता है, बिना किसी गारंटी के साथ दिया जाता है। इस स्कीम के तहत जो सरकार 5,000 करोड़ रुपये का जो की राशि जो स्वीकृत की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के अनुसार जिनके पास स्थायी दुकान नहीं है किसी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्थायी ढांचे में, यह है घूम घूम का जनता तक रोजमर्रा का उपयोग वस्तु को जो सेवा को पेश करते हैं। यह कुल सरकारी औपचारिक रोजगार गैर सरकारी के लिए 14% स्ट्रीट वेंडर मिस्ट्री लोकल जस्टिस ऑफ द एम्पावरमेंट यूनियन मिस्टर सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट डॉक्टर विजेंद्र सिंह कुमार जो लॉन्च द तपस एट द स्टैंड्स ऑफ मोक पर्सिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफ द तपस ट्रेंडिंग ऑफ द आर्गुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज अदर द वेरियस कोर्सेज फील्ड द सोशल डिफेंस एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग्स ऑफ
स्टेट होल्डर्स ट्रेनिंग एंड द इगुमेंटिंग्स प्रोडक्टिव सर्विसेज अक्टूबर 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एवं सुरक्षा संस्थान द्वारा विकसित उद्देश्य क्षमताओं के निर्माण के लिए जो प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान और कौशल को विकसित करना है। ट्रेंडिंग के लिए आर्गुमेंटिंग प्रोडक्टिव सर्विस वहन द अक्टूबर 2021 और यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट सोशल जस्टिस डिफेंस तपस पोर्टल के 5 बिंदुओं के केंद्र तो सामाजिक रक्षा के लिए विषय पर चार्ट पाठ्यक्रम नशीली दवाओं को अपदार्थ को दूर व्यवहार को रोकथाम बुजुर्ग लोगों की जो देखभाल डिमोशंस पीड़ित से लोगों के लिए एक प्रबंधन करना और ट्रांसजेंडर आयुष आपके द्वार आयुष इज द डोर स्टेप मोस्ट ऑन स्टेप्स ऑफ द हैंड्स ऑफ मेक टू द हैपन्स द कॉन्फ्रेंसिस और आयुष हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हेल्थ इज द टुमारो द गुवाहाटी कब अक्टूबर 2021 में किसने केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा एक वर्ष में जो 75 लाख घरों को औषधीय पौधे वितरित करने का अभियान ताकि भारतीय उद्योग आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पौधों की जो औद्योगिक महत्व को समझाएस डेस्क संसदीय आउटरीच कार्यक्रम लोकसभा स्पीकर बिरला इनोग्रेट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम कब यह अगस्त 2021 में दूसरा चरण किसने लोकसभा उद्देश्य स्थानीय जनता के साथ संसदीय प्रणाली के प्रति जागरूकता विकसित करना संसदीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत मूलतः जनवरी 2021 में संसदीय सर्वोच्च जो लोकतांत्रिक संस्था है जो पंचायत स्तर पर जो सभी स्तरों को लोकतांत्रिक मजबूत करने के लिए उत्तरदायित्व है यह इस प्रकार का कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर शासन और नियोजन के लिए संस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है। लोकसभा अध्यक्ष स्कूल बबल कब अगस्त 2021 में किसने कर्नाटक में उद्देश्य ऑफलाइन कक्षाओं को भाग देने वाले बच्चों को 18 से कम वर्षों में कोरोना के प्रसार को रोक कम करना है इसमें जो ग्रुप बना दिया जाएगा जैसे 10-10 का मान लिया एक को हो गया तो सभी को नहीं आया जाएगा फिर दूसरे पे रखना पड़ेगा। इसमें प्रत्येक बबल में जो छात्र शामिल होंगे और पूरे छात्र सत्र में एक शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल के लिए समय में समूह में रहेंगे उसके बाद जो संक्रमित हो जाता है उसके समूह को अन्य बच्चों के लिए आइसोलेट हो सकते हैं लेकिन स्कूल की पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो 7 पहल कब अगस्त 2021 में किसने जम्मू कश्मीर उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की जो भूमिका को माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आजीविका के अवसरों को सृजित करना है 7 पहल महिलाओं एवं ग्रामीण निर्मित उत्पादों के लिए बाजार में सुविधा प्रदान करने के नेक्स्ट हमें प्रसाद द टाइम्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ द डिमांड्स रेट 262 करोड़ डेवलप स्कीम्स एरिया चर्चा में क्यों अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में भाषण दिया जिसमें मंदिर और प्रसाद योजना चर्चा में रही। प्रसाद योजना ये महत्वपूर्ण तीर्थ और जो विरासत स्थलों को कार्यक्रम स्थापित संवर्धन है कब 2014 में किसने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के केंद्र द्वारा जो 100% वित्त पोषित योजना है पीपी मॉडल पर और सीएसआई मॉडल पर अवधारणा पर प्रदर्शित करती है। प्रसाद योजना पर्यटन आधार ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विरासत एवं इतिहास महत्व का संरक्षण सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में के लिए वेरावल बंदरगाह में स्थित है अन्य नाम जो देव पाटन मंदिर शिव भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए पहल मंदिर और ऋग्वेद में और चंद्रदेव द्वारा निर्मित कराए जाने वाला उल्लेख है समय समय पर जो विदेशी आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा 1025 में जो आक्रमण करके सबसे बड़ा प्रमुख था स्वतंत्रता के बाद जो सरदार पटेल अन्य पुनर्निर्माण के लिए उल्लेख की भूमिका मूलतः जो नागर शैली पर आधारित मंदिर है किंतु चालुक्य शैली में पूजनीय है और मंदिर गर्भगृह
सभा मंडप और नृत्य मंडप तीनों भागों में विभाजित है। देख सकते हैं धरोहर गो परियोजना, चर्चा में क्यों। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के नारायण कोटी मंदिर को केंद्र सरकार द्वारा धरोहर गोद योजना के लिए सम्मिलित किया जा गया है। धरोहर गोद ले परियोजना वर्ष 2017 में अन्य नाम जो विरासत अंगीकरण परियोजना किसने, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के लिए संयुक्त पहल है। उद्देश्य देश में प्राकृतिक पर्यटन संस्कृति और विरासत के संबंधित स्थलों के लिए पर्यटन सुविधा प्रदर्शित करना है। स्मारक मित्र अवधारणा पर आधारित योजना, योजना के तहत जो निजी एवं इकाइयों को भारत के एक प्रकार के ऐतिहासिक स्थल को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रेरित किया जाता है, यह संस्था स्थल पर जो आधारभूत सुविधाओं के साथ ही उत्पन्न करने और उन्नयन कर सके 5 वर्ष की अवधि के लिए। इस प्रकार की संस्था की गतिविधियों की निगरानी सरकारी कमेटी द्वारा की जाती है, जिससे जो संबंधित मंत्रालय द्वारा अधिकारी सम्मिलित हो सके। किसी प्रकार को गोद लेने के लिए बोली अथवा वित्तीय आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होती इसमें, और सरकार के लिए प्रयास रहता है कि कंपनियों द्वारा दायित्व और जो CSR के द्वारा किया जाए। नारायण कोटी मंदिर नक्शान लक्ष्मी नारायण को समर्पित मंदिर है। कई मंदिरों का समूह है, ये पांडवों से संबंधित है। विस्तृत पांडविकता जानकारी का अभाव है इसमें, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम 2.0, चर्चा में क्यों। अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम 2.0 GSAP 2.0 के तहत जो 25,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदेगा। इससे पूर्व जो GSAP 1.0 कार्यक्रम के तहत जो कुल 25,000 करोड़ रुपए की राशि जो सरकारी प्रतिभूतियों खरीदी गई है। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम मूलतः जो एक व्यापारिक आकार द्वारा बना शर्त ओपन मार्केट ऑपरेशन है। बिना शर्त के कोई कार्य था कि RBI पहले जो प्रतिभूति व्यक्ति है वह जो बाजार की भावना को बावजूद सरकारी प्रतिनिधि करेगा, और जो प्रतिनिधि की जो खरीद मात्र रिजर्व बैंक निर्धारित करेगा। उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंध स्थिर एवं जो व्यवस्थित जो यील्ड सुनिश्चित करना, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए RBI व्यवस्था के लिए आपूर्ति करना है, जिसमें यील्ड रहने के लिए एक प्रकार की सरकार को उत्थान में लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा हमारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0, देखते हैं इसको भी, चर्चा में क्यों है। अगस्त 2021 में भारत के जो रक्षा मंत्री डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो डिस्क 5वें संस्करण का जो किया गया, उद्देश्य जो भारतीय रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना, नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम का नवाचार संगठन द्वारा विकसित प्रोषित है। DIO कंपनी अधिनियम 2013 के जो धारा 8 के अनुसार जो पंजीकृत गैर सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल्थ द्वारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 2 संस्थापक सदस्य हैं। PM कुसुम अगस्त 2021 में केंद्रीय नवीन एवं जो नवीकरणीय मंत्रालय MNRE द्वारा जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM कुशल योजना के दौर के कार्यान्वयन समीक्षा योजना के बारे में, पूरा नाम जो प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा उत्थान महाभियान कब 2019 में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, उद्देश्य किसानों को अपनी जो बंजर भूमि और जो ऊर्जा उत्पन्न स्थापित करने के लिए ग्रिड को बचाने के लिए सक्षम बनाना है। लक्ष्य वर्ष 2022 तक जो 30.8 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन में बिजली का जो विशेष विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना, और जो किसानों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विकेंद्रीकृत और जो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। सिंचाई के लिए किसानों के विद्युत सब्सिडी पर निर्भरता को कम करना है। बिजली उत्पादन कंपनियों को डिस्कॉम के सशक्ति को सख्त कम करना है। समृद्ध कार्यक्रम IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वर्जन द स्टार्टअप्स ऑफ द, ये हमारा समृद्ध स्कीम
समृद्ध उत्पादन नवाचार विकास वृद्धि कब? अगस्त 2021 में। और ये किसने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो स्टार्टअप हब्स द्वारा उद्देश्य देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो प्लस यूनिकॉर्न को बढ़ाना है। समृद्ध स्कीम यूनिकॉर्न 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाली जो निजी स्टार्ट कंपनी है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरी बड़ी यूनिकॉर्न हब है। ई श्रम पोर्टल कब? 2021 में। किसने? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। असंगठित कामगारों को एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने की मदद मिलेगी। पोर्टल पर पंजीकृत पूर्णतः निःशुल्क है। इसके तहत जो श्रमिकों को जो 12 अंकों का विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जिससे जो सार्वजनिक योजनाओं में शामिल होने और तो लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य जो पोर्टल पर जो 38 संगठित निर्माण कार्यों को संलग्न मजदूर एवं प्रवासी कार्यबल रेहड़ी पटरी और जो घरेलू कामगारों को पंजीकृत कराना है। दुर्घटना बीमा योजना ई श्रम पोर्टल पर जो पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए है ये मृत्यु एवं जो शारीरिक विकलांगता में 2 लाख रुपये आंशिक जो शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये मिलेंगे आंशिक में। युक्त धारा पोर्टल लॉन्च युक्त धारा जो भू स्थानिक पोर्टल है जो कब? 2021 में। किसने? केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित है। पोर्टल रिमोट सेंसिंग तथा ICS की जानकारी प्रयोग करने के लिए मनरेगा संबंधित योजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा प्रगति चर्चा में क्यों है? अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने प्रगति के 67वें जो संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति प्रोएक्टिव द गवर्नमेंट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन कब? 2015 में। किसने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य ई शासन और जो सरकारी संवाद को बढ़ावा देना है। प्लेटफॉर्म और जो योजनाओं के मुद्दे के संबंध में सरकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र और जो राज्य सरकार को लिए आधिकारिक वार्ता करने में सक्षम बनाता है। शासन ई शासन और जो सरकारी संवाद की अवधारणा पर आधारित एक मंच है। भारत सरकार द्वारा सचिवों और जो राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट फोरम? तो डिकार कार्बोनाइज्ड ट्रांसपोर्ट कब? जुलाई 2021 में। किसने? नीति आयोग द्वारा और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा ये। और परिवहन के वाहनों में जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना समस्त एशिया की ग्रीन हाउस को जो उत्सर्जन कम करना है। फोरम भारत के जो परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करना तो सरकार द्वारा CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की प्रतिविधियों को व्यापक सुविधा प्रदान करना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना 1982 में मुख्यालय वाशिंगटन DC में। यह संगठन सभी प्रकार के उत्सव और प्रकार अपनी सेवाओं के लिए शोध एवं अनुसंधान के रूप में प्रदान करता है। सिटीज क्लाइमेट एनर्जी फूड फॉरेस्ट ओशियन वाटर। नेक्स्ट हमारा माई पैड माई राइट टूर जी। ये हमारा नरेंद्र मोदी जी हमारे और ये हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं। इस तरफ ए प्रोजेक्ट ऑफ वोमेन द हाइजीन ऑफ लाइवलीहुड्स अपॉर्चुनिटी टू रूरल वोमेन केंद्र जुलाई 2021 में। किसने? केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने नाबार्ड और नैब फाउंडेशन की पहल है। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की मासिक धर्म की स्वच्छता में सुधार करना है। नेक्स्ट हमारा सुजलाम अभियान। ये 100 डेज का सुजलाम कैंपेन है। कैंपेन ऑफ द मेकिंग द मोर ODF पल्सिस विलेजेस बाय द अंडरटेकिंग ऑफ फर्स्ट वाटर मैनेजमेंट एट विलेज लेवल कब? जुलाई 2021 में। किसने? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का अभियान है। उद्देश्य भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन और जो माध्यम से खुले में शौच जो मुक्त
ये मान करना है भाई। देखो ये पूरी सरकारी योजनाएं हैं, पूरी लगभग 15 से 16 महीने की, एक तरह से बोल सकते हैं लगभग 1.5 साल भी बोल सकते हैं। यदि वीडियो